शुभमध्याह्नः। अधुना वयं सर्वे कारक उपपद विभक्तयः च पठामः। कारकस्य अर्थं किम् अस्ति? क्रियान्वयितम् इति कारकम्। Which follows the verbs are called as कारक। कारकस आर ऑलवेज कनेक्टेड विथ संज्ञा मीन्स नाउन्स, सर्वनाम मीन्स प्रनाउन्स। इफ यू आर परफेक्ट इन कारक देन यू कैन बी कनेक्टेड विथ अनुवाद एंड अशुद्धि संशोधन। कारक हेल्प्स यू टू कन्वर्ट द सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू संस्कृत। कारक ऑल्सो हेल्प यू टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स इन द संस्कृत सेंटेंसेस। So this is very important lesson for you to learn. So now let us understand karaka. Number 1 karta karaka, number 2 karma karaka, number 3 karana karaka, number 4 sampradana karaka, number 5 apadana karaka, this number 6 is not used or said as karaka because it shows the relation, so we don't say it as a karaka. And this also sambodhana is also to call someone, we say hey are, so this is also not karaka. So the total karakas are 1, 2, 3, 4, 5, and 6, so total षट् कारकाः सन्ति। So to remember these karakas we have made one shloka. So let us see what is that shloka. Everyone has to by heart this. Karta karma cha karanam sampradana tathaiva cha apadanadhikaranam ityahuh karakani षट्। अपादानादि, हियर देयर इज अ संधि, अपादान अधिक कारण मिथ्याहुः कारकाणि षट्। वन मोर टाइम आई विल रीड दिस स्तोत्र। सी कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानि अपादानाधिकरण मिथ्याहुः कारकाणि षट्। सो यू हैव अंडरस्टूड हाउ मेनी कारकास आर देयर। So we will read this in detail now. So now let us see what do you mean by vibhakti. What do you mean by vibhakti? Kriya ke saath sanya shabdon ka sambandh prakat karne ke liye jin chinhon ka prayog kiya jata hai वही विभक्ति कहलाती है, अर्थात संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस। क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का, संज्ञा मीन्स नाउन विच शोज द रिलेशन बिटवीन द नाउन एंड द वर्ब। The symbols which shows the relationship between the noun and the verb, that symbols are called as, and the signs are called as vibhakti. So let us see what is vibhakti now. What all are vibhaktis? Karta karaka, karta karaka, karta karaka. So total vibhaktis are 7. That you know, Sambodhana is not called as Vibhakti. See, Prathama, Dvitiya, Tritiya, Chaturthi, Panchami, Shashti, Saptami. Vibhaktaya. Pratyek karak ka apna ek chinna hota hai. Chinna, symbol, sign. Okay. So, now see. प्रत्येक कारक का अपना एक चिन्ह होता है। कर्ता, कर्ता कारक इज यूज्ड इन प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक, कर्ता ने, कर्म को,
करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध काके की रारे री, अधिकरण में पर, संबोधना हे भी अरे हे। Now let us understand with this chinha, this word. Okay? करता ने, who has done the work? करता ने, मैंने किया. So here you are going to understand who. उसको देखता है, to whom? So this is called as subject and this is called as object. Okay? करता, कर्म को उसको, अंडरस्टैंड दिस, ने को। नंबर थर्ड, करण से द्वारा, तृतीया के द्वारा किससे खेलता है? बॉल से खेलता है, से विथ व्हाट? ओके, हाँ। संप्रदान के लिए, चतुर्थी के लिए, दिस इज एज द मोटिवेटिंग, फॉर वॉट यू आर गिविंग, फॉर विच रीजन, वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट, सो दैट इज कॉल्ड एज संप्रदान। ओके, और टू हूम यू आर शोइंग द रिस्पेक्ट, सो लेट अस सी इन दैट इन डिटेल। संप्रदान के लिए, चतुर्थी के लिए देता है, भूख लगी है इसके लिए खाना देता है, अपादान कारक से अलग होने पर, पंचमी से अलग होता है। सपोज वृक्षात फलम पतति, सो वृक्षात फलम पतति, हियर व्हाट इज द थिंग, सो दिस इज सपोज अ ट्री, फ्रॉम द ट्री द फ्रूट इज फॉलिंग, सो द फ्रूट इज फॉलिंग, सो देर इज अ व्हाट, देर इज अ डिवाइडेशन बिटवीन द फ्रूट एंड the tree, so from where it falls for that particular word we are using panchami. Okay, parvatat nadi pravahati. Next one, sambandha ka ke ki, tumhara mera pustak hai, mama pustakam asti, tumhara pustak hai, अधिकरण में पर, सप्तमी मेज पर, टोकरी में, मत्स्याः जले तरन्ति में, इन दैट पर्टिकुलर, खगाः आकाशे उड्डयन्ति, संबोधना हे भो अरे, हे राम हे राधा वी से, सो दैट इज संबोधना। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज विभक्तयः, दीज ऑल आर कॉल्ड एज विभक्तयः। सो लेट अस सी विभक्तयः इन डिटेल। प्रथमा, बालः, एक बालक ने, प्रथमा द्विवचन, बालौ दो बालकों ने, प्रथमा बहुवचन अनेक बालकों ने, द्वितीया एकवचन एक बालक को, द्वितीया द्विवचन दो बालकों को, बालौ, द्वितीया बहुवचन अनेक बालकों को। यू हैव टू रेफर दिस विद द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट बुक। नाउ सी, फॉर एग्जांपल हियर आई विल शो यू रूपों के अर्थ। प्रथमा, कर्ता, बालह बालौ बालाः, द्वितीया, बालम बालौ बालान, एक बालक ने, दो बालकों ने, अनेक बालकों ने। ओके, नाउ नेक्स्ट सी, बालम बालौ बालान, एक बालक को, दो बालकों को, अनेक बालकों को। तृतीया, के से द्वारा, करण, बालेन बालाभ्याम बालैः, एक बालक से, दो बालकों से, अनेक बालकों से। चतुर्थी, के लिए, संप्रदान, बालाय बालाभ्याम बालेभ्यः,
एक बालक के लिए, दो बालकों के लिए, अनेक बालकों के लिए। पंचमी से अलग अपादान बालात बालाभ्याम बालेभ्यः, एक बालक से, दो बालकों से, अनेक बालकों से। षष्ठी का के की संबंध बालस्य बालयोः बालानाम, एक बालक का, दो बालकों का, अनेक बालकों का। सप्तमी मे पर अधिकरण बाले बालयोः बालेषु, एक बालक पर, दो बालकों पर, अनेक बालकों पर। हे भो अरे संबोधना हे बाल हे बालौ हे बालाः, एक बालक, हे एक बालक, हे दो बालको, हे अनेक बालको। सी विभक्तयः, नाउ लेट अस सी द विभक्तयः आर डिवाइडेड अगेन इनटू कारक विभक्तयः एंड उपपद कारक उपपद विभक्तयः, कारक विभक्तयः उपपद विभक्तयः। सो अकॉर्डिंग टू द रूल व्हिच गो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हाउ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट व्हाट इज द रूल्स एंड without subject verb agreement how does the sentences are made, so let us see one by one. Karaka vibhaktayah, karaka vibhaktayau ya kriya pad ko dhyan me rakh kar lagayi jati hai, yatha sadhana pustakam pathati, pustak kon pad raha hai, sadhana pad rahi hai, so sadhana pustakam pathati। चिन्ह के आधार पर सो पठती कौन पढ़ रहा है, साधना पढ़ रही है, साधना पठती, यहाँ साधना पद पठती क्रिया का कर्ता है, सो कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, पठती इज अ वर्ब, सो हियर, सो फॉर दिस वर्ब हु इज द सब्जेक्ट, साधना इज द सब्जेक्ट, करता है, अतः एव उसमें प्रथमा विभक्ति एवं क्रिया का फल जिस पर पड़ रहा है वह पुस्तक है, अतः एव उसमें द्वितीय विभक्ति लगाई गई है, सो यू बेटर अंडरस्टैंड दैट, सो व्हेनेवर देयर इज कर्म प्रेजेंट इन द सिंपल सेंटेंस दैट ऑल कर्मास आर इन द्वितीय विभक्ति, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, so how we have in English subject verb object, in the same way we have in Sanskrit subject object verb, so here object most of the time are in dvitiya vibhakti, so this is called as subject verb agreement and which depends on karaka vibhaktayah, so let us see. So this everyone understood how it runs, sadhana pustakam patati, so karta, who is the subject here, sadhana is the subject, patati is the verb, sadhana kaha patati, sadhana patati, kim patati, pustakam patati, okay, so you have to ask question like this, when you get the proper answer then it goes to the karaka vibhaktayah, now let us see next one, उपपद विभक्तयः, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय उपपद विभक्तयः, ओके नाउ उपपद विभक्तयः वन एग्जांपल आई विल शो यू फॉर उपपद, इट ओनली शोज यू व्हाट इज द मीनिंग, व्हेन वन वर्ड कम नियर टू अनदर वर्ड दैट वर्ड इज इफेक्टेड बाय दैट particular word, for example I will tell you nagaram paritah saranihi asti, okay, so that word now we will take it for example, I will explain you in this way, paritah, can you see this paritah, paritayah, paritah is avyaya pad means what, the word which do not change, okay, so paritah is a word, so paritah is avyaya pada which is not changing but makes others to change, suppose in our school
we have called one VIP person. Okay, so that VIP person, when he has called, so he is little bit, suppose his timing is 2 o'clock, but our school disperses at 1:30. So what do we do that time? We do some changes according to his time, because he is a guest, right? So we may plan the school little bit late, that is 9 o'clock, because we want the student to be present in the school. So according to the person, how do we do the changes? So in the same way, according to the word, we do the changes for the nearby person. So nearby word. So which is the word near to this? This is the word. So when Paritaha comes, that time, which word comes? This Nagaram means Dvitiya Vibhakti comes. Okay. So whenever Paritaha comes, Dvitiya Vibhakti comes. Nagaram Paritaha Saranihi Asti. So here Saranihi means there are two meanings of Saranihi. Saranihi means way, road, but even though the protecting layer also you can tell, the protecting small wall which is surrounded by the city. So Saranihi means path, okay, spiritual path you can say, or way you can say, or the protective layer you can say. Okay, so actually Saranihi means path and also protecting. So here I mean to say that Upapada Vibhaktayaha means Upa means near. When one word comes near to the word, another word, that word changes according to the this word. So this is called as Upapada Vibhaktayaha.